स्टम्पे जी देख रहे नाजे खान यूट्यूब चैनल, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप आज ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए तंदुरुस्तियाँ अदा करे, और जैसे नाजी भाई से मोहब्बत करते हैं इसी तरीके मोहब्बत करती रहेगा। आज का जी हमारे पास मौजूद ये है इस टाइम पे, पार्ट वन आपने पहले देख चुके हैं, अब है पार्ट टू की बारी। पासो 2013 मॉडल है, उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी, सारी चीज़ें हमने पार्ट वन में आपको दिखा दी थी पहले। पार्ट टू में ये सारी चीज़ें उसमें हमने क्या क्या काम किए आगे, उसके अंदर सस्पेंशन में क्या क्या काम थे, शॉक की माउंटिंग वगैरह जो है, एक शॉक भी उसके अंदर ख़राब था, स्टीयरिंग बॉक्स जो है वो भी ख़राब था, वो भी हमने उसके अंदर चेंज किए है। क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि जब पानी जो है गाड़ी के अंदर लगता है तो ये चीज़ों को, पानी तो हर चीज़ को आपको पता ख़राब कर देता है। तो गाड़ी के लिए ख़ास तो ये है कि व्हील बैरिंग हो गए आपके, जैसे अपना सस्पेंशन में कोई काम ऐसा हो गया तो ये चीज़ें, स्टीयरिंग बॉक्स में बूट वगैरह फट जाते हैं या एक्सल के अंदर बूट फट जाता है, तो उसी टाइम अगर फौरन जो है उस बूट को फौरन चेंज किया जाए एक्सल का, तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है आपको, आपका एक्सल के जो 10-12 हज़ार रुपये बचते हैं पाकिस्तानी पैसों के हिसाब से, तो वो आपकी बचत हो जाएगी, 1500-2000 में आपकी जान छूट जाएगी। तो मेन चीज़ें ये होती है सस्पेंशन के काम के अंदर, और गाड़ी के अंदर जो है हमने गाड़ी बिल्कुल माशाल्लाह इस कंप्लीट की है गाड़ी के अंदर। इसके अंदर जो जो सामान आपको नहीं दिखा पाए नया, वो पार्ट टू का हिस्सा है, आप इसमें आपको दिखाएंगे। अगर नाजिक भाई के चैनल को लाइक ना किया तो लाइक कर लें और बेल घंटी दबा दें, आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँचता रहे नई वीडियो के साथ साथ, और हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा। चलते हैं, आप लोगों का टाइम मिस नहीं करते, इस टाइम पे आइए नाजिक भाई के साथ चलते हैं, आपको काम दिखाते हैं। जी हम अभी सामान के पास पहुंच चुके हैं, अभी आपको सामान दिखाएंगे, उसमें हमने क्या क्या काम किए हैं अभी सारी चीज़ें आपको चेक कराऊंगा मैं। पार्ट वन में आपको सब कुछ देख चुका थे, अभी इस टाइम पे जी अभी हम स्टीयरिंग बॉक्स जो है वो इस टाइम पे माशाल्लाह हमने चेंज किया, क्योंकि उसकी जो कंडीशन थी वो ख़राब थी, तो साथ साथ हमने जब वो चेंज किया तो इसके स्टीयरिंग के जो बूट हैं वो भी हमने जो है चेंज किए, ये क्योंकि यूज़ में मिलते हैं स्टीयरिंग बॉक्स, तो साथ साथ वो भी हमने इसको चेंज कर चुके हैं। अभी चलते हैं जी कैंचों के बुश की तरफ, कैंचों के बुश हम यहाँ पर नए लगा चुके हैं यहाँ पर, और कैंचों के बुश दो कैंचों के बुश लगाएँ, बाकी ये वाले बुश तो सही थे माशाल्लाह, दो ये बुश हमने चेंज किए। साथ साथ आपको एक शॉक भी हमने चेंज किया उसका, क्योंकि प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि दूसरी कैंची का बुश ये रहा, और शॉक हमने जो है ना ये वाला चेंज किया है, क्योंकि एक शॉक इसका जो है वो ख़राब था, तो इस चक्कर में हमें ये शॉक जो है ना चेंज करना पड़ गया। साथ साथ आप ये चीज़ें आपने देख ली हैं, अभी हम करेंगे गाडरे के ऊपर फिटिंग इसकी, यहाँ पर इसके अंदर फिटिंग करेंगे, फिटिंग करने के बाद जो है इंशाल्लाह फिर गाड़ी की तरफ रवाना दवा होंगे, वहाँ फिटिंग करेंगे। चलें जी अभी हम जंप फिट कर रहे हैं, इंशाल्लाह रेड साइड का जंप है, इसको फिट करके फिर लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, फिर इंशाल्लाह इसकी गाड़ी बिठाएंगे, और साथ साथ जो है ना Thank you।
यहाँ पर बोल्ट ऐड कर दिए और अंदर वाला भी बोल्ट ऐड करेंगे। मैं भी आपको चीजें दिखाता चलो नीचे। तो भाई ये अभी शौक है, अभी हम इसकी फिटिंग वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। इसकी गाड़ी लगाएंगे इसके नीचे की और ये कंप्लीट करने के बाद जो इंशाल्लाह फिर गाड़ी उतारेंगे और वीडियो हमारी एंड तक देखिए इंशाल्लाह मज़ा आएगा। स्टेप टू स्टेप चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ी दिखाते रहेंगे, काम कैसा होता है, सस्पेंशन का आप लोगों को पता चलेगा। कभी भी आप काम कराने जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा सस्पेंशन में कितना काम खुलता है गाड़ी का। यहाँ पर जी अभी हमने स्टेरिंग बॉक्स वगैरह लगा दिए, सब कंप्लीट कर दिए चीज़ें ये वाली। और अब जो है ना माशाल्लाह ये सारी कैंचें वगैरह, क्योंकि ये गाड़ी के ऊपर सारा सिस्टम जो है ना कंप्लीट हो जाता है। देखो भाई ये बोल्ट होते हैं, ये जाके बॉडी में जग लगते हैं, एक बोल्ट उधर लगता है, एक बोल्ट इधर लगता है, बाकी जो है वो पीछे की तरफ बोल्ट हैं। टोटल जो है ना 4 बोल्ट लगते हैं गाड़ी के अंदर, ये ऊपर पैक होंगे जाके। अभी हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, इसको पैक करेंगे। पैक करने के बाद कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड देंगे, हमारा काम कैसा लगा आप लोग अच्छे से कमेंट करेंगे। और इंशाल्लाह अभी रात का टाइम है क्योंकि गाड़ी तैयार करना ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि ज़्यादातर अंधेरा हो रहा है इस टाइम पे देखें, क्योंकि ये काम ऐसा ना हम लोगों का, तो क्योंकि टाइम पे चीज़ें देनी होती हैं, जो कमिटमेंट होती है तो ज़ाहिर बात है उस टाइम पे हमें गाड़ी देनी। हमारे पास आई थी गाड़ी, ये हमने उनको 1.5 दिन का टाइम दिया था, शाम के टाइम पे आई थी, तो हमने कहा दूसरे दिन आपको गाड़ी मिल जाएगी। अभी चलें, आप लोगों को टाइम मिस नहीं करते, अभी काम की तरफ चलते हैं। इसको अभी चलता हूँ मैं, इसको फिट करूँगा, फिटिंग करके इंशाल्लाह इसको कम्प्लीट करके आप लोगों को रिस्पॉन्स देते हैं। चलें जी, यहाँ पर जो है ना गाड़ी कम्प्लीट कर चुके हैं हम लोग, अभी गाड़ी नीचे उतार दिए, साथ साथ आपको दिखाता चलूँ। ये जम वगैरह जो हैं ये भी हमने इसको फिटिंग यहाँ कंप्लीट हो गई है, माशाल्लाह गाड़ी बेहतरीन हो गई है, काम बहुत अच्छा हो गया है। ये लेफ्ट साइड का हिस्सा है, सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी है गाड़ी के अंदर। ये देखिए बिल्कुल हर जगह अपनी जगह माशाल्लाह फिक्स है, बेहतरीन गाड़ी का, क्योंकि ये राइट साइड वाला जम जो था वो भी जो ना कमज़ोर था, वो भी हमने चेंज किया था। और ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह इस टाइम पर गाड़ी कंप्लीट है, गाड़ी में कोई काम ऐसा है नहीं, बेहतरीन हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को नाज़िर भाई की वीडियो अच्छी लगी होगी, और फिलहाल नाज़िर भाई को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।